गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी का पार्ट 11 कैसे बना शहद का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पार्ट में हमने देखा था कि रवि अपने दादाजी के गांव गया हुआ था, वहां उसे शहद खाने को मिला, तो उसने पूछा कि शहद कैसे बनता है। तब उसके दादाजी ने बगीचे में जाकर मधुमक्खी का छत्ता दिखाया और बताया कि मधुमक्खी फूलों पर से रस निकालकर, फूलों का रस निकालकर शहद बनाती है और यह शहद हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न एक, अब बातचीत करें, यह अपने मम्मी पापा से आप डिस्कस करिए। क, अखिल गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गया? अखिल गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गया था? अपने दादा दादी के घर गांव। ख, दादी ने अखिल को नाश्ते में क्या खाने को दिया? तो दादी ने अखिल को नाश्ते में शहद और रोटी खाने को दी। ग, शहद कहाँ से मिलता है? तो शहद मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। प्रश्न दो, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे। हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। क, मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती है? उत्तर, इसका उत्तर क्या होगा? मधुमक्खियां शहद फूलों के रस से बनाती है। ख, छत्ते से हमें क्या क्या मिलता है? उत्तर, छत्ते से हमें मोम तथा शहद मिलता है। ग, शहद के क्या क्या लाभ होते हैं? तो उत्तर, शहद खाने से शरीर में स्फूर्ति, ताजगी और शक्ति मिलती है। प्रश्न तीन, सही उत्तर चुने। क, अखिल ने छत्ता कहाँ देखा? तो अखिल ने छत्ता कहाँ देखा था? आंगन में, खेत में और बाग में। तो अखिल ने छत्ता बाग में देखा था, तो हम बाग में के सामने टिक कर देंगे। ख, मधुमक्खियों का भोजन है, मधुमक्खियों का भोजन क्या है? फूलों का रस, चीनी या फलों का रस? तो मधुमक्खियां फूलों से रस निकालकर शहद बनाती है, तो इनका भोजन फूलों का रस है। इस टाइप से आप इसे बुक में फिल कीजिएगा और प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू।